प्रत्येक धर्म में पूजा पाठ से जुड़े अलग नियम होते हैं, साथ ही पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न भी होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। ऐसे में भगवान की आराधना और पूजा पाठ से पहले कुछ बातों का विशेष तौर पर हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। इन चार बातों का आपको खास तौर पर भगवान की उपासना करते समय बेहद ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, आज अपने इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कौन सी वो चार गलतियां हैं, कौन से वो चार पाप हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, और इन पापों की, इन गलतियों की सजा भगवान कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्रोधित होकर बेहद ही ज्यादा कड़े दंड देते हैं। तो जानिए क्या कुछ है वो चार बातें जिनका ध्यान हर मनुष्य को, हर जातक को बेहद ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पूजा पाठ से पहले की गई कुछ गलतियां हमारे जीवन में दुखों का कारण बन सकती हैं। ऐसे में आप ध्यान से सुनिए हमारी ये खास रिपोर्ट और जानिए उन बातों के बारे में जो हमें पूजा से ठीक पहले बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। मांसाहार करने के बाद हमें कभी भी पूजा में नहीं बैठना चाहिए। साथ ही ये भी बताया जाता है कि मांसाहार के बाद कभी भी मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जिस दिन भी आपने मांस ग्रहण किया हो उस दिन भी आपको पूजा पाठ वाले स्थान से दूरी बनाए रखने चाहिए या फिर उस स्थान के आसपास भी नहीं भड़कना चाहिए। अगले दिन गंगा जल से शुद्ध होकर ही पूजा पाठ में आपको सम्मिलित होना चाहिए। जो आपको बता दें, शौच जाने के बाद अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग हाथ पैर धोकर पूजा में बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आमतौर पर होना ये चाहिए कि शौच के बाद नहाकर फिर से पूरी तरीके से शुद्ध होकर हमें पूजा पाठ में बैठना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शौच के बाद नहाकर ही पूजा में शामिल होना चाहिए, अन्यथा आप सब पाप का भागीदार बन सकते हैं। ऐसे में यदि आपको स्नान के बाद फिर से शौच जाना पड़े तो फिर आप पूजा पाठ में शामिल ना ही हो। यदि शामिल हो रहे हैं तो पुनः स्नान करना बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। बता दें आपको, लड़ाई झगड़े के बाद कभी भी पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की आराधना में हमें एक शांत मन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, झगड़े की वजह से हमारा मन काफी ज्यादा क्रोधित होने के साथ साथ अशांत भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में पूजा पाठ में शामिल होना नुकसान पहुंचाता है, साथ ही इससे कोई फल भी प्राप्त नहीं होता। यानी कि आप अगर लड़ाई झगड़े के बाद पूजा में शामिल होंगे तो वो पूरे तरीके से व्यर्थ हो जाएगा। आगे आपको बताते हैं, गंदे कपड़ों में कभी भी पूजा में नहीं बैठना चाहिए, पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में पूजा में शामिल होना नकारात्मकता लेकर आता है, इसलिए हमें पूजा पाठ से पहले नहाकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। नेक्स्ट टू नाइन स्पिरिचुअल से इंदु की रिपोर्ट।